प्रभु के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे देव साहेब पिल्लई के जीवन के बारे में। देव साहेब पिल्लई, इनका जन्म 13 अप्रैल 1712 ईस्वी में भारत देश के नटलम शहर में हुआ। इनकी मृत्यु 14 जनवरी 1712 ईस्वी में हुई। मसीह सेवा कार्य, भारत। देव साहेब पिल्लई, जिनका मूल नाम नीलकंडा पिल्लई था, का जन्म नटलम कन्याकुमारी जिले में एक हिंदू उच्च जाति के परिवार में हुआ था। उनके पिता एक हिंदू मंदिर में पुजारी थे और उनके मामा ने उन्हें सख्त हिंदू मान्यताओं और परंपराओं में परवरिश किया। वे बड़े होकर त्रावणकोर के महाराजा मातंडा वर्मा के महल में शाही सेवा के सदस्य बन गए। वहां उनका डच नौसैनिक कमांडर यूस्टाचियस डिलनॉय से परिचय हुआ। डिलनॉय ने उन्हें एक सच्चे परमेश्वर के बारे में समझाया और उन्हें उद्धार के मार्ग पर निर्देशित किया। जब नीलकंडा एक तीव्र वित्तीय संकट से गुजर रहे थे, तब डिलनॉय ने बाइबल से अय्यूब के विश्वास को साझा करके उन्हें हिम्मत दी। बाइबल में ऐसे दैविक पुरुषों के जीवन से प्रेरित होकर नीलकंडा ने मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और शांति का अनुभव करने लगे। उन्होंने सन 1745 में बपतिस्मा प्राप्त किया और उनका नाम बदलकर लाजर रखा गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर की सहायता या तमिल में देव सहायम। तब से देव सहायम ने हिंदू समुदाय के बीच सुसमाचार फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपने सेविकाई के द्वारा उनके परिवार के कुछ सदस्यों सहित कई अन्य जातियों ने मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ पाकर कई अद्भुत कार्य भी किए। हालांकि उनके धर्म परिवर्तन और सेविकाई का उच्च जाति के हिंदुओं ने विरोध किया था, यहाँ तक कि राजा ने देव सहायम को हिंदू धर्म में फिर से जुड़ने की आज्ञा दी, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन पर राजद्रोह और जासूसी का झूठा आरोप लगाया गया। उन्होंने 3 साल जेल में बिताए, जहां उन्हें क्रूर तरीकों से यातनाएं दी गईं और उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। मसीह को स्वीकार करने के कारण उन्हें एक भैंस पर उल्टा बिठाकर बाजारों में अपमानित किया गया। कष्टों और अपमानों के बावजूद वे अपने विश्वास पर अटल रहे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कारावास की सजा काटने के बाद एक जंगल में छोड़ दिया गया था, जहां उन्हें सैनिकों ने गोली मार दी थी। प्रिय, क्या आपके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने आपकी गवाही के द्वारा मसीह को स्वीकार किया? तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मुझे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच एक जीवित गवाही बनाई। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।